कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रफ्तार में थोड़ी कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में ये गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल 7487 नए केस मिले। इसी वजह से पिछले 24 घंटे में 83,361 सैंपल की जांच हुई है, जबकि इससे पहले जांच का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा का आता रहा है। वैसे देखें तो राजधानी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में पटना में 2,672 नए पॉजिटिव केस मिले, गया में 261, भागलपुर में 314, मुजफ्फरपुर में 389, मुंगेर में 349 और समस्तीपुर में 217 नए पॉजिटिव केस मिले। नए आंकड़ों के आने के बाद बिहार में कुल 49,527 एक्टिव केस हो गए हैं। इधर रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट गिरकर 84.52% तक पहुंच गया है। गया के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कोरोना संदिग्ध की तड़प तड़प कर मौत हो गई। हालात इतने खराब हैं कि स्लाइन की कमी से बेड के नीचे गिरे मरीज को उठाने वाला भी वहां पर कोई नहीं है। आपको बता दें कि छोटकी नवादा के रहने वाले रामचंद्र राम को सांस लेने और लंग्स में समस्या होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया था, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई तो उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया। इधर मरीज ने फोन करके अपने परिवार वालों को जानकारी दी कि उसकी स्लाइन खत्म हो गई है। इसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल के रिसेप्शन काउंटर पर बैठे लोगों से बात की तो उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद परिजन मरीज को देखने के लिए कोविड वार्ड में पहुंचे तो मरीज बेड के नीचे पड़े हुए थे, उसे उठाने वाला कोई नहीं था। जब परिजन ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो गार्ड ने मृतक के बेटे के साथ मारपीट की और बाहर निकाल दिया। हैरानी की बात तो यह है कि अपने पिता को देखने के लिए रोहित ने गार्ड को 100 रुपये दिए थे, जबकि अपने पिताजी की देखभाल के लिए 500 रुपये दिए थे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पापा जी से मिले दीजिए, पापा जी से मिले दीजिए, नहीं मिले दिए। लास्ट में गए तो पापा जी गिरे हुए थे नीचे गिरे हुए, तो कोई नहीं था देखने वाला सर कोई नहीं था सर, सिर्फ गार्ड था सर। गार्ड को बोले सर तो गार्ड और गुस्सा करके भगाने लगा सर, मारपीट भी किया है गार्ड सर। तो जो हालात हैं वो बेहद खराब बने हुए हैं। हालांकि बिहार में आंकड़े थोड़े कम जरूर आए हैं, लेकिन वो जांच में कमी की वजह से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इस वक्त रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, कोरोना के हालात की अगर बात करें तो स्थिति भयावह बनी हुई है। फिलहाल क्या स्थिति है और जो सड़कों पर नजारा दिख रहा है, लोग कितने जागरूक हुए हैं, क्या अब जो स्थिति बनी है इसके बाद लोगों में कुछ सुधार हुआ है या थोड़ा डर रहे हैं लोग? देखिए, भले ही आंकड़े में कमी आई हो, लेकिन कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसमें से कौन संक्रमित हैं कौन संक्रमित नहीं है ये भी कई जगह जांच नहीं किया जा रहा है, और यही स्थिति है कि लगातार स्थिति खराब होती जा रही है। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं और पलायन का दौर जारी हो गया है। जो भी मुंबई में, दिल्ली में, देश के अन्य शहर में जो लोग हैं उन्हें अब काम तक नहीं मिल रहे हैं और उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। अपने बाल बच्चों के साथ हैं वो आ रहे हैं। पटना जंक्शन का ही हाल आप देखिए कि जैसे जैसे ट्रेन आ रही है धीरे धीरे जो लोग हैं वो जो है जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं, और हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं देखिए कि वो पलायन करके जो जिस तरह से गया था काम करने के लिए अब वहाँ से हो लौट के अपने घर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई ऐसे जो लोग हैं जो ट्रेन से आए हैं और उनको अब अपने घर जाने के लिए दूसरी गाड़ी नहीं मिली है, वो बैठ के जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं वो सारे लोग हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, और हम यूँ कहें कि 2020 में जो जिस तरह से स्थिति बनी थी, लोग जो है बाहर से जो है घरों के लिए आ रहे थे, वही कमोबेश स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है। लोग अब डरने लगे हैं, और मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, साथ ही यूपी, उत्तराखंड, कई ऐसे तमिलनाडु, दक्षिण के कई जो राज्य हैं उन सभी जगहों से जो लोग हैं अब जो है वो आने शुरू कर दिए हैं, और
जिस तरह से बात की जाए कोविड मरीजों की, तो कोविड मरीजों की भले ही आज जो आंकड़े आए हो कम आए हैं कि संख्या कम हुई है, लेकिन अगर ठीक से जांच की जाए तो वो संख्या कम नहीं आएगी, वो संख्या में बढ़ोतरी होगी। और इस तरह से देखा जाए तो जांच अधिक से अधिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ जो है कोविड हॉस्पिटल उनको घोषित नहीं किया गया है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि मजबूरन जो है लोगों की रक्षा करने के लिए जो है वहाँ पर भी जो है लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और लोग जो हैं कोविड से जो संक्रमित लोग हैं वो भर्ती हो रहे हैं, जिसमें से कई लोगों की जाने जा रही हैं, कई लोगों के जीवन को बचाया जा रहा है, लेकिन स्थिति काफ़ी ख़राब है। और ज़रूरत यह है कि लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है, अगर हम सचेत होते हैं, लोग अगर सचेत होंगे तभी जो है वो ठीक से रहेंगे। आप देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं पलायन जो है वो कर रहे हैं, और किस तरह से ट्रेन आई है, लोग जो है अब आ रहे हैं और अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। तो ये स्थिति पटना जंक्शन की है। इससे अधिक जो स्थिति की बात की जाए तो जहाँ तक बस स्टैंड की बात की जाए, बस स्टैंड पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और अपने जिलों के लिए जो बस पकड़ के वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। और रुपेंद्र जरा स्टेशन का नज़ारा दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि थोड़ी तस्वीर हमें विस्तार से दिखाएं कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है, कितना लोग